वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी की श्रृंखला को आरंभ कर चुके थे, इसका आगाज हो चुका है और पहला वीडियो लॉन्च भी हो चुका है। आप में से कई सारे लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लीजिए। वहाँ पर कुछ आधारभूत जानकारियों को कवर किया गया है। और हाँ, ये हिंदी माध्यम की श्रृंखला है, हिंदी में लिखा हुआ और हिंदी में समझाया गया, अंग्रेजी वालों के लिए अलग से आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। हमने केरल राज्य तक अपनी पूरी यात्रा को पूरा किया था, लेकिन ये संपूर्ण नहीं हुआ था। उसके बाद हमें अभी बहुत सारे राज्यों को देखना है, जिसमें से कि एक है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में आप अगर ध्यानपूर्वक देखें तो काफ़ी प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़, जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये मध्य प्रदेश में है, आप जानते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है ये 1968 का है और उमरिया में पड़ता है इसकी लोकेशन, मध्य प्रदेश में भी एग्जैक्ट अगर देखी जाए तो उमरिया जिले में। इसके बाद आप संजय राष्ट्रीय उद्यान को देख रहे हैं जो कि सीधी में है, सिद्धी भी कहा जाता है, सीधी भी कहा जाता है, आम बोलचाल में सीधी ही बोलते हैं, और 2011 का ये अधिसूचित है। इसके बाद कान्हा नेशनल पार्क है या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ये मंडला में पड़ता है। माधव को आप देख रहे हैं, ये शिवपुरी का है, ठीक है, माधव जो है ये शिवपुरी का है और इसका जो समय आप देख पा रहे हैं वो 1975 का है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये शिवनी छिंदवाड़ा जिलों में फैला हुआ है और 1955 का है, ये भी काफ़ी पुराना है, इसे आप ध्यानपूर्वक देखें। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, सतपुड़ा पर्वतमालाओं के नाम के आधार पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये होशंगाबाद जिले में पड़ता है मध्य प्रदेश में, और 2018 की इसकी स्थिति है। इसके बाद पन्ना को आप देखें, पन्ना छतरपुर जिले में ये फैला हुआ है और 1959 का है, यानी 1959 का है, कुछ आपने यहाँ पे देखा। इसके बाद फॉसिल नेशनल पार्क यानी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, ये मंडला में पड़ता है, 1981 का है। वन विहार भोपाल का है, भोपाल में ही पड़ेगा और कहाँ हो सकता है, तो 1981 का समय इसका है। ओंकारेश्वर जो है ये खंडवा देवास और खरगैन में फैला हुआ है, ये नेशनल पार्क जो है ये 1981 का स्थापित है। इसके बाद कूनोपालपुर, ठीक है, कूनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान ये श्योरपुर कला मतलब शिवपुरी में है असल में, 1979 का स्थापित है। बाद में इसको नेशनल पार्क का दर्जा भी प्राप्त होता है और इसका विस्तार भी किया जाता है, ठीक है, इसके क्षेत्रफल को बाद में बढ़ाया गया है, 2018 में इसके क्षेत्रफल में अच्छा खासा विस्तार किया गया। तो ये सब चीज़ें हमने देखी। अब इसके बाद चलते हैं अगले राज्य यानी महाराष्ट्र की ओर, और यहाँ जो सबसे पहला नेशनल पार्क आप देख रहे हैं वो है सांगली में और इसका नाम है चंदौली नेशनल पार्क, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। ये चंदौली नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश का चंदौली नहीं है। तो चंदौली नेशनल पार्क ये सांगली में पड़ता है, 2004 का है। गूगामल नेशनल पार्क जो है ये अमरावती में है, एक अमरावती आपको आंध्र में भी मिल जाएगी लेकिन ये महाराष्ट्र की अमरावती है, तो अमरावती में है और ये 1975 का है। नवेगांव नगजीरा इसको कहा जाता है, ये गोंदिया में पड़ता है, जिलेवार लोकेशन अगर देखी जाए तो गोंदिया में, 1975 इसका समय है। इसके बाद पेंच, ठीक है, पेंच को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है और ये नागपुर में, 1975 का है। संजय गांधी बोरीवली ये ठाणे मुंबई में फैला हुआ है, मतलब ठाणे जिला है और मुंबई जो मेन है उसमें इसका विस्तार है और ये 1983 का है। तडोबा अंधेरी ये टाइगर रिजर्व, यहाँ पे हम राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में देख रहे हैं, तो ये जो नेशनल पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है ये चंद्रपुर में है, 1955 का है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है। अब मणिपुर में चलते हैं, तो मणिपुर में एक तो किम्बुलम जाओ है जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो कि पानी पर तैर रहा है। पानी पर कुछ विशिष्ट प्रकार की घासों का जमावट हो जाता है, मतलब जमघट लग जाता है, जिसे कि फुंडी कहा जाता है, और ये फुंडी ऐसे एक तल का निर्माण करते हैं जिस पर कि लोग अपना आवास बना के रहते भी हैं और बहुत तरह की जैव विविधता जीव जंतुओं का वहाँ पर निवास स्थान होता है, और इसी में से एक पाया जाता है शंघाई नाम का हिरन, जो कि यहाँ की इस नेशनल पार्क की विशेषता है। और जब वो इस दलदली सड़ी हुई घास के परत के ऊपर चलने का प्रयास करता है या दौड़ता है तो ऐसा लगता है कि वो डांस कर रहा है, क्योंकि परत जो है वो ऊपर नीचे होती है, पानी में फ्लोट कर रही। तो ये एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कि आज के समय में संकट में, तो इसे आपने देखा, ये बिशुनपुर में पड़ता है, 1977 का है, और सिरोही जो है ये इम्फाल में पड़ता है, 1982 का है। इसके बाद बल फक्रम को देख लीजिए, बल प्रक्रम या पक्रम भी इसको कहा जाता है, कई सारे इसके संबोधन हैं। ये मेघालय राज्य में पड़ता है, ठीक है, इसकी जो अवस्थिति है वो मेघालय राज्य में है। गारो हिल्स, गारो की जो पहाड़ियाँ हैं उनके ठीक दक्षिण में आप चले जाइए, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। समय आपने देखा 1986। इसके बाद देखते हैं अगले वाले को, ये देखिए नोकरेक, नोकरेक जो है ना ये भी मेघालय में है, दोनों को ध्यान दीजिएगा, ये मेघालय में है और ये भी पश्चिमी गारो की पहाड़ियों में पाया जाता है, 1997।
मिजोरम को देखेगा तो मिजोरम में दो आपको दिखेंगे, एक तो मुरलेन है और दूसरा फोंगपुई है। तो मुरलेन नेशनल पार्क जो है ये चंपाई में पड़ता है, 1991 का है। फोंगपुई जो है इसको नीला पर्वत नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। तो ये आपका लोंगतलाई में है, ठीक है। लोंगतलाई या लोंगतलाई इसको कहा जाता है, कई सारे इसके भी संबोधन है, बोलने का लहजा अलग अलग होता है, ठीक। तो ये आप लोकेशन देख रहे हैं, ये है फोंगपुई, समय है इसका 1992। इसके बाद इतांकी, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये नागालैंड का है, दीमापुर में पड़ता है, 1993 का है। उड़ीसा में चले आते हैं, तो उड़ीसा में सबसे पहले हम देखेंगे भितरकणिका को, उसके बाद हम देखेंगे सिमलीपाल को। तो भितरकणिका ये मैंग्रोव क्षेत्र भी है, फिलहाल राष्ट्रीय उद्यान, और ये केंद्रपाड़ा जिले में पड़ता है, 1988 का है। और मयूरभंज में पड़ता है सिमलीपाल, ये 1980 का है। तो पुराना कौन है नया कौन है ये देखते चलिए। राजस्थान में चले आते हैं, तो राजस्थान ये शुष्क क्षेत्र अवश्य ही है, लेकिन नेशनल पार्क यहाँ अच्छे खासे हैं, आप देख रहे हैं। सबसे पहले मरुभूमि नेशनल पार्क है, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान है, ये जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में फैला हुआ है, और ये समय है इसका 1992 का। इसके बाद केवलादेव घाना नेशनल पार्क को आप देख पा रहे हैं, और केवलादेव घाना नेशनल पार्क भरतपुर में है असल में, 1981 का है। मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क जो है ये कोटा में है, वो 2006 का है। रणथंभौर नेशनल पार्क ये सवाई माधोपुर में पड़ता है, 1980 का है, समय इसका काफ़ी पीछे का है। इसके बाद है सरिस्का, और सरिस्का नेशनल पार्क या सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये है आपके अलवर जिले में, और ये 1992 में अधिसूचित था। अब आ जाइए हिमालयी राज्य सिक्किम की ओर, तो यहाँ पर है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा पर्वत शिखर के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है, और ये उत्तरी सिक्किम में पड़ता है, मतलब सिक्किम का जो उत्तरी हिस्सा है, 1977 का है। तमिलनाडु को देखते हैं, तो तमिलनाडु में पहले तो गुइंडी है, जिसको कि गुंडी यहाँ पे लिखा हुआ है, गुइंडी के नाम से आप अक्सर देखते हैं, ये चेन्नई में है और 1976 का है। मन्नार की खाड़ी को आप देख रहे हैं, गल्फ ऑफ मन्नार में, मतलब गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क या मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, आप जैसे इसको बुलाना चाहें। और ये रामनाथपुरम और तोतीकोरिन में फैला हुआ है, 1980 का है। इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान ये कोयम्बटूर का है, 1989 का है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान ये नीलगिरी हिल्स में है, नीलगिरी का पूरा विस्तार इसको कवर करता है, और ये 1990 का है। मुखूर्ति जो है ये नीलगिरी का है, और मतलब नीलगिरी क्षेत्र का है, और 1990 इसका भी समय है। तो ये इतने सारे आपने तमिलनाडु में देखे, और कर्नाटक को हम लोग पीछे ही कवर कर चुके हैं। अब यहाँ आ जाइए तेलंगाना की ओर, तो तेलंगाना पहले आंध्र का हिस्सा था, अब इसमें से कई सारे नेशनल पार्क पहले आंध्र के हिस्से में रहते थे, लेकिन वो अलग होने के बाद तेलंगाना के पास आ गए हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, ये राष्ट्रीय उद्यान, और ये हैदराबाद में पड़ता है, 1994 का है। महावीर हरिणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये रंगा रेड्डी में पड़ता है, और रंगा रेड्डी में इसका जो समय है वो 1994 का है। मृगावनी तेलंगाना का ही है, और ये भी रंगा रेड्डी में है, 1994 का है। तो तीनों का समय आपने देखा एक जैसा है। इसके बाद आ जाइए त्रिपुरा की ओर, जो कि तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और एक ओर से इसकी भूमि हमसे चिपकी हुई है। तो त्रिपुरा में है क्लाउडेड लेपर्ड, ये तेंदुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र है नेशनल पार्क, और ये पश्चिमी त्रिपुरा में पड़ता है, 2007 का है। और राजबरी नेशनल पार्क, जिसको कि बिसन नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ये दक्षिणी त्रिपुरा में है। तो इस तरीके से इसकी लोकेशन को आपने यहाँ पर देखा, ठीक, 2007 के दोनों हैं वो, आप यहाँ स्थिति इनकी जो समयवार स्थिति है उसको देख पा रहे हैं। अब देखते हैं हम पश्चिम बंगाल को, तो पश्चिम बंगाल में हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान को, और ये जलपाईगुड़ी जिले में पड़ता है, 1992 का है। गोरुमारा जो है ये भी जलपाईगुड़ी में है, और ये 1992 का है। अब इसके बाद जल्दापाड़ा नेशनल पार्क है, और जल्दापाड़ा जो है ये खुद जल्दापाड़ा में है, जगह का नाम ही है जल्दापाड़ा, और ये 2014 में अधिसूचित हुआ था। इसके बाद नेओरा वैली को देखें, दार्जिलिंग में पड़ता है, और सिंगलीला जो है ये भी दार्जिलिंग का है, दोनों की जो स्थिति है ना वो दार्जिलिंग में है। समय आप देखें दोनों का समान है, 1986। इसके बाद सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, रॉयल बंगाल टाइगर का नेचुरल हैबिटेट और पूरे विश्व में विख्यात है, ये आपके 24 परगना जिले में पड़ता है, मतलब 24 परगना जिले का जो दक्षिण पूर्वी छोर है, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा, वहाँ पर ये स्थित है। मैंग्रोव क्षेत्र है सुंदरवन का डेल्टा, ये विश्व विख्यात है, और ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बाघ का प्राकृतिक आवास पाया जाता है, नहीं तो आमतौर पर बाघ जो है वो दलदली आर्द्रभूमि क्षेत्र में नहीं रहा करते, लेकिन इन मैंग्रोवों में उनका नेचुरल हैबिटेट। तो ये आपने देखा, ये 1984 का है। अब इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर चलते हैं दक्षिण में, यहाँ पर है कैंबेल बे, अभी जब प्रश्नों का अभ्यास हम पिछले लेक्चर में कर रहे थे तो वहाँ आपने इसका जिक्र देखा था, और ये अंडमान में है, ठीक है, कैंबेल बे जो है ये अंडमान में है, 1992 का है। और गैलेथिया बे को देख रहे हैं, बे का मतलब होता है खाड़ी, जैसे बे ऑफ बंगाल,
तो गैलेथिया बे नेशनल पार्क जो है ये निकोबार में पड़ता है, 1992 यानी 1992 का है, और वंदूर नेशनल पार्क जिसे कि महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, ये पड़ता है अंडमान में कुछ यहाँ पे, 1983 का है। माउंट हैरियट ये भी अंडमान में है, 87 का है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये अंडमान में है, अगर समुद्री नहीं दिया होता तो आप यूपी में चले आते रानी झांसी का नाम सुन के, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। ये जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये अंडमान में है, 1996 का। सैंडल पीक ये पर्वत चोटी का भी नाम है, तो उस आधार पे आप ज्योग्राफिकल इसको देख लीजिएगा। फिलहाल सैंडल पीक नेशनल पार्क ये आपका अंडमान में पड़ता है, 1987 का है। और मिडिल बटन आइलैंड यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो नेशनल पार्क है ये पोर्ट ब्लेयर में पड़ता है, इसकी जो लोकेशन है वो पोर्ट ब्लेयर में है और 1979 यानी 1979 का अधिसूचित है। नॉर्थ बटन ये जो नेशनल पार्क है ये अंडमान में पड़ता है, 1979। और साउथ बटन ये आइलैंड है, असल में द्वीप तो है ही हैं ढेर सारे, तो आइलैंड आप कह लीजिए, अंग्रेजी में कहिए चाहे हिंदी में, तो यहाँ पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है कुल मिलाकर, और 1987 का है। अगर आप इतनी बारीक जानकारी नहीं भी प्राप्त कर पा रहे हैं तो कम से कम इतना याद रखिएगा कि ये कौन से राज्य में, एक मोटा अनुमान आपके पास होना चाहिए, तो उसे आप इलिमिनेट कर पाएंगे। हालांकि बारीक प्रश्न पूछे जाएंगे, थोड़ा सा ट्रिकी बनाया जाएगा, तो वहाँ जो अंदर की लोकेशन है वो आपसे पूछी जा सकती है। तो ये सब आपने देख लिया है, अब हम चलते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। तो सलीम अली नेशनल पार्क श्रीनगर में है। पहले जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य हुआ करता था, विशिष्ट राज्य का इसके पास दर्जा था, लेकिन संविधान में एक आमूलचूल परिवर्तन और संशोधन करने के उपरांत इसके दो हिस्से किए गए और इससे विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया। तो अभी दो हिस्से कौन कौन से हैं, एक तो लद्दाख है, दूसरा जम्मू कश्मीर है। बड़ा क्षेत्रफल लद्दाख के पास चला गया है और नई बात यह है कि दोनों केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क को देख रहे हैं जो कि श्रीनगर में है, और दाचीगाम नेशनल पार्क यहाँ देखिएगा, ये आपका श्रीनगर और पुलवामा में फैला हुआ है, 1981 का है। काजीनाग, काजीरंगा नहीं है, काजीनाग है। काजीनाग नेशनल पार्क ये बारमूला में है, 2000 का है, मतलब सन 2000 का। और किश्तवाड़ जो है ये किश्तवाड़ और डोडा दोनों में फैला हुआ है, 1981 का है। जैसे जैसे हम हिमालय में आगे की ओर यानी उत्तर दिशा में ट्रेवल करते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे एल्टीट्यूड यानी जो ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है, और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ विषम परिस्थितियां पैदा होती हैं। तो लद्दाख का आधा से अधिक हिस्सा, या कहना चाहिए यहाँ पे कि जो उसका अधिकतम हिस्सा है वो एक शीत मरुस्थल के रूप में पाया जाता है, वहाँ कुछ भी पैदा नहीं होता, लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में भी बहुत सारे जीव जो हैं वो सर्वाइव करते हैं। यहाँ हेमिस हाई को आप देख रहे हैं, हेमिस हाई नेशनल पार्क ये पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, अभी ये लद्दाख में लेह जिले में पड़ता है, लद्दाख का ये जिला है लेह। तो यहाँ तक हमने राष्ट्रीय उद्यानों को देखा जहाँ पे नियम कायदे थोड़े कठोर होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे वन्य जीव अभयारण्यों को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और ये भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण नेशनल पार्कों को जानना है, उतना ही महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप पर्यावरण और पारिस्थितिकी को देख रहे हैं तो उसमें हम अभी एलिफेंट रिजर्व और टाइगर रिजर्व पर भी पर्याप्त चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखें, राज्य दिया है जैसे कि पीछे का पैटर्न था, तालिका आप देख पा रहे हैं, वन्य जीव अभयारण्य साथ में दिया है, फिर एक बार दूसरा हिस्सा जो टेबल का है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इधर का हिस्सा कंप्लीट करते हैं, ठीक है, फिर इधर को देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखें हिमाचल को, छोटा सा राज्य है लेकिन यहाँ कई सारे वन्य जीव अभयारण्य है, जैसे कि चंद्रताल है, पोंग डैम है, पोंग डैम एक झील का नाम है, और रेणुका, ठीक है, आर्द्रभूमि है। तो ये सारे जो है ये वन्य जीव अभयारण्य है, ये इतनी ही जानकारी पर्याप्त है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जम्मू कश्मीर को देखिएगा, यहाँ पे चांगथाल शीत मरुस्थल है। देखिए, मरुस्थल जो आप देखते हैं ना, ये हमेशा गर्म ही हो या आवश्यक नहीं है। मरुस्थल का निर्धारण, या कोई भी क्षेत्र रेगिस्तान कहलाएगा या नहीं, इसका निर्धारण वहाँ पर होने वाली वर्षा की मात्रा के आधार पर किया जाता है, ना कि तापमान के आधार पर। तो ठंडा क्षेत्र, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा अगर ठंडा क्षेत्र है तो वहाँ भी कुछ उगने वाला है नहीं, क्योंकि बर्फ़ की एक मोटी परत का वहाँ आवरण कवर कर लेगा और नीचे मिट्टी दब जाएगी, तो कोई भी वनस्पति वहाँ उगने वाली नहीं है। वर्षा वहाँ नहीं के बराबर होगी क्योंकि हमेशा उच्च दाब का क्षेत्र बना रहेगा, है ना। तो ये मरुस्थल की ही स्थिति को पैदा करता है, और ऐसा ही शीत मरुस्थल यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो चांगथांग शीत मरुस्थल है, इसके बाद होकेरसर, सुरिनसर, मानसर, ये सब है, ये सब आपके जम्मू कश्मीर के। फिर आ जाते हैं झारखंड में, तो झारखंड में पहले तो आपका डालमा है, उसके बाद गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू और तोपचंची, एक क्रम से आप याद कर सकते हैं आसानी से, इसको आप चाहें तो बोल बोल के याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि पिक्चर के माध्यम से याद कर लीजिए, मतलब एक खाली नक्शा भारत का ले लीजिए और उसमें इन चीज़ों को लोकेट कर दीजिए,
तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। नहीं तो फिर आप बोल बोल के याद करिए कर लीजिए और लिख लिख कर एक बार देख लीजिए। कई सारे इसके तरीके हो सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। इसके बाद कर्नाटक को देखिए, तो दांडेली यहाँ पे है, इसके अलावा तालकावेरी है, चिंचोली है और घाट प्रभा है, ये सब वन्य जीव अभयारण्य है, ध्यान से इसको देखिएगा। इसके बाद केरल को देखते हैं, यहाँ पे थडक्कर पक्षी अभयारण्य है, ये बर्ड सेंचुरी है असल में, और इडुक्की में पड़ता है एक, वो भी आप देखें। नेयार है, परम्बिकुलम है, मालाबार है, पेरियार है, वायनाड है और कुमाराकाम है, ये सब वन्य जीव अभयारण्यों के नाम है जो कि स्थानों के नाम के आधार पर रखे गए। अब आइए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में कोरिंगा है, कोलेरू है, इसके अलावा आपका नागार्जुन सागर, श्रीशैलम है और प्राणहिता एक नदी का नाम है, तो उसी नाम के आधार पे एक वन्य जीव अभयारण्य का नाम भी रखा गया है। तो ये सब आंध्र प्रदेश में दिखाई दे रहा है और उसके ठीक नीचे आपको तेलंगाना दिखेगा। तो तेलंगाना तक का सफर कंप्लीट करने के बाद हम लोग राइट साइड में यानी दाहिनी ओर आ जाएंगे और यहाँ जो राज्य हैं उनको भी देख लेंगे। तो तेलंगाना को देखते हैं, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम ये यहाँ पे है, प्राणहिता यहाँ भी है और किन्नेरसानी। कभी कभी क्या होता है ना, जो दो पड़ोसी राज्य हैं तो एक नेशनल पार्क दोनों में हो सकता है, एक वन्यजीव अभयारण्य जो है वो दोनों में विस्तृत हो सकता है, तो ठीक वही चीज़ यहाँ भी दिखाई दे रही है। और 2014 से पहले ये दोनों एक ही थे तो आप जानते ही हैं। ठीक, तो तेलंगाना में आपने देख लिया ये वन्यजीव अभयारण्य। अभी नीचे लिस्ट बाकी है लेकिन पहले हम दाहिनी ओर का पूरा करेंगे। तो यहाँ देखिए, राजधानी क्षेत्र दिल्ली, यहाँ पे असोला भाटी, इसको इंदिरा प्रियदर्शनी वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी का जो बचपन का नाम था वो प्रियदर्शनी था, उन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी कहा जाता था। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का देखिए, सबसे पूर्वी छोर भारत का, यहाँ पे पखुई, सेसा, आर्किड, ये आर्किड की प्रजातियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। इसके बाद मिजोरम, यहाँ पे दम्फा है और इसके अलावा थोरांट लॉग है, ये नाम है इन्हें आप याद रखिएगा। त्रिपुरा में गुमटी और सिपाही जाला है, जबकि केदारनाथ आपका उत्तराखंड का है, जबकि मध्य प्रदेश में बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, इस तरह से बहुत सारे आपको वन्यजीव अभयारण्य दिखाई दे रहे हैं। ताता पानी ये भी मध्य प्रदेश का है। महाराष्ट्र को देखिए, तो महाराष्ट्र में फनसड़ है, बोर है, बोर वन्यजीव अभयारण्य, कलसुबाई है, इसको पूरा नाम के तौर पर देखें तो कलसुबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेल घाट है, नागजीरा पक्षी विहार है, पेनगंगा है, उमरेद है और करहांडला है, ये सारे आपको यहाँ पर महाराष्ट्र में मिल जाएंगे। अब इसके बाद नीचे की सूची के हिस्से को देख लेते हैं। बिहार में बरेला झील है, ठीक है, बिहार में बरेला झील है और वर्तमान में इसका नाम बदल कर रख दिया गया, सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी विहार। झील का नाम वही है लेकिन क्षेत्र का नाम बदल दिया गया। इसके बाद भीम बांध को देखें, ये भी है, ठीक है, ये भी वन्यजीव विहार है और ये बिहार में है। यहाँ बिहार और विहार दोनों में अंतर है, हालांकि शाब्दिक अर्थ बिहार का भी वही होता है लेकिन यहाँ पर वन्य जीव विहार की बात हो रही, ठीक। तो गौतम बुद्ध है, ये एक आपको यहाँ पे अभयारण्य दिख जाएगा। इसके बाद कांवर झील है, ठीक है, कांवर लेक, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन, देखिए गंगा डॉल्फिन का संरक्षण क्षेत्र यहाँ अच्छा खासा है। गंगा नदी में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है, ये साफ पानी की डॉल्फिन होती है और आजकल जो गंगा का प्रदूषण और तमाम शिकार संबंधी गतिविधियाँ हैं उसकी वजह से इसका जीवन संकट में है, तो यहाँ पर्याप्त संरक्षण किया जाता है। इसके बाद चंडीगढ़ को देखिए, सुखना लेक यहाँ पे है और ये अभयारण्य है। इसके बाद पंजाब, हरिके झील, छत्तीसगढ़ में अचान कमार, अमरकंटक वाला और सीता नदी वाला। इसके बाद गोवा को देखते हैं, भगवान महावीर मोल्लेम इसको कहा जाता है, तो दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। गुजरात में कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, यहाँ आप देख रहे हैं गिर है, इसके अलावा कक्ष की खाड़ी है, मोरिन वाला, नल सरोवर है, नारायण सरोवर है, चिंकारा के लिए काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है। इसके बाद जंगली गधे के लिए अलग से है अभयारण्य, ठीक है। तो ये सब आपने गुजरात का देखा, जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है सिर्फ हम उन्हीं को देख रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अब थोड़ा सा राइट साइड में चले आते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं उड़ीसा राज्य को, और उड़ीसा राज्य में अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो भितरकणिका सबसे पहले है, उसके बाद ये चिल्का है, गहिरमाथा है, नंदनकानन है, सतकोशिया गार्ज है और सिमलीपाल, ये सब आपके वन्यजीव अभयारण्य। राजस्थान, यहाँ पे माउंट आबू है, सरिस्का है, जवाहर सागर है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है और वन विहार है, ये सारे नाम महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। नागालैंड का अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ फाकिम है, और असम में देपोर बील है, पूर्वी कार्बी आंगलोंग है, लावोखोआ है, ये सारे वन्यजीव अभयारण्य आपको दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु राज्य में चलते हैं तो यहाँ कोडाईकनाल है, नेल्लई है, पॉइंट कैलिमर है, पुलिकट लेक है, सत्यमंगलम है, कलक्कड़ है, इसके अलावा इंदिरा गांधी अन्नामलाई ये आपका राष्ट्रीय उद्यान यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ हम लोग फिलहाल जो लिस्ट देख रहे हैं वो वन्यजीव अभयारण्यों की, तो इस हिसाब से ये अभयारण्य के तौर पर यहाँ पर आपने देखा। इसके बाद वेदांग थंगल को देख लीजिए और यहाँ नीचे थोड़ा सा और लिस्ट को
यहाँ स्क्रॉल कर लेते हैं, तो यहाँ आप देखें वेदांत थंगल है, कावेरी है, दक्षिणी वन्यजीव अभयारण्य, इसे आपने यहाँ ध्यानपूर्वक देख लिया है। इसके बाद देखें आप उत्तर प्रदेश को, ठीक है, अपने राज्य में, तो यहाँ बखीरा है, कैमूर है, इसमें से कुछ पक्षी अभयारण्य भी आपको दिख सकते हैं। इसके बाद महावीर स्वामी है, राष्ट्रीय चंबल है, ओखला पक्षी विहार है, पटना पक्षी विहार है। पटना नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बिहार में चला गया, ऐसा नहीं है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में शिकारी देवी है, तेलंगाना में पाखल है। इस तरीके के महत्वपूर्ण नाम जो बार बार रिपीट हुए हैं, पूछे गए हैं, उनको हमने यहाँ पे कंपाइल किया है। अब वन्य जीव अभयारण्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को यहाँ पर हम पॉइंट वाइज देखेंगे। ये बुलेट पॉइंट या आप कह लीजिए कि वन लाइनर फैक्ट है जो कि आपके काम का है, नई सूचनाएं हैं जो कि अभी पिछले कुछ वर्षों के अंदर नए इसमें परिवर्तन हुए हैं या नई घटनाएं हुई हैं। जैसे कि आपको ये बताया गया, यहाँ करंट अफेयर में आपने ये सब चीज़ें पढ़ी भी हैं, नवंबर 2022 में तमिलनाडु सरकार ने 68,640 हेक्टेयर में, ये बड़ा क्षेत्र है, हेक्टेयर जो है वो क्षेत्रफल को नापने का मात्रक होता है, तो इतने बड़े क्षेत्र में कावेरी दक्षिण अभयारण्य, ये वन्यजीव अभयारण्य है, इसे राज्य के 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि तमिलनाडु में 17 हैं टोटल, मतलब ये जो अवस्थिति इसकी है, तो 17 पूरे हमने तालिका में नहीं देखे हैं, जो महत्वपूर्ण थे सिर्फ उन्हीं को देखा, तो जो आपके काम के हैं, जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, उनको पहले देखें, ठीक है। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि यह अभयारण्य कृष्णागिरी और धर्मपुर जिलों में आरक्षित जो वन क्षेत्र हैं, मतलब उन्हें संरक्षित पहले से ही किया गया था, तो उन्हें बटोर कर इसे नाम दिया गया है। और इसकी घोषणा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो धारा 26A क्लॉज 1 सब क्लॉज B है, कि लंबा चौड़ा यहाँ पे धारा का क्रम दिया है, तो इसके तहत की गई। अगर आप इतना लंबा नहीं भी याद कर पाते हैं तो धारा 26A क्लॉज 1 तक याद रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इसे मान्यता दी गई। तो ये तो एक मैटर हुआ। उसके बाद जुलाई 2022 की बात है, यानी पिछले साल जुलाई की बात है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने पेंच टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती क्षेत्रों को, जो किनारे वाले क्षेत्र थे, उनको शामिल करके एक नया कर्माझिरी अभयारण्य गठित किया है। तो नए नए अभयारण्य बनाए जाते हैं, प्रदेश सरकार के द्वारा ये काम किया जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में ही एक अधिसूचना जारी होती है और शिवपुरी जिले में करेरा में एक 202.21 वर्ग किलोमीटर का विस्तृत जो वन्य प्राणी अभयारण्य था उसको समाप्त कर दिया। सिर्फ बनाया ही नहीं जाता है बल्कि नष्ट भी किया जाता है, तो वो नमूना आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शिवपुरी के करेरा में ये था और इसको समाप्त कर दिया गया, डी नोटिफाइड किया गया, यानी इसकी अधिसूचना इससे वापस ले ली गई। कुछ और जानकारियां हैं, जैसे कि विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने लद्दाख में, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य स्थापित करने का फैसला लिया है। नाइट स्काई अभयारण्य ये कहाँ पे है, तो लद्दाख में है, इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये निर्णय ये विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से लिया गया है। नाइट स्काई अभयारण्य लद्दाख का जो हानले है वहाँ पे चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित होगा। ऐसा नहीं है कि कोई नया यहाँ पे वन्यजीव अभयारण्य विकसित किया जा रहा है, ये चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के अधीन होगा। अक्टूबर 2022 की बात है, मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व का नाम एक नए बाघ अभयारण्य के, यहाँ आप ध्यान से देखें, दुर्गावती टाइगर रिजर्व नाम से एक नए बाघ अभयारण्य के निर्माण को मंजूरी दी है। ये जो नया टाइगर रिजर्व होगा इसका नाम क्या होगा, दुर्गावती टाइगर रिजर्व, रानी दुर्गावती के नाम पे इसका नाम दुर्गावती रखा गया है। और दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिलों को कवर करता है, 3 जिलों में ये फैला हुआ है, इसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और विस्तार भी बहुत अच्छा खासा है, 2,339 स्क्वायर किलोमीटर ठीक ठाक इसका विस्तार दिखाई दे रहा है। और पन्ना टाइगर रिजर्व ये बाघों की मेजबानी करेगा, मतलब यहाँ ध्यान से अगर आप देखें तो पन्ना में जो बाघों की तादाद है अच्छी खासी है, तो मध्य प्रदेश में चूंकि वैसे ही बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है तो इनको मैनेज करना भी अपने आप में चुनौती है, इसीलिए नए नए अभयारण्यों का निर्माण करके बोझ को कम करने का और सही ढंग से मैनेजमेंट करने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व के जो बाघ हैं उनको भेजा जाएगा, मतलब उसमें से कुछ को भेजा जाएगा जो कि यहाँ पर अपना सर्वाइव करेंगे। और इसका एक चौथाई हिस्सा केन बेतवा नदियों को जोड़ने के कारण जलमग्न हो जाएगा। ये केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो है ना, इनफैक्ट जितने भी रिवर लिंक प्रोजेक्ट होते हैं वो पर्यावरण के शत्रु होते हैं, लेकिन मनुष्य अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ नदियों को जोड़ने से पानी की समस्या का समाधान भले ही हो जाए लेकिन नदियों का स्वरूप बिगड़ेगा, साथ में जो बहुत बड़ा डाइवर्सिटी का एरिया है वो इससे बर्बाद होगा। तो ये नेशनल पार्क इससे चपेट में आ रहा है। इसके बाद 12 अक्टूबर 2022 की बात करते हैं। यहाँ देखिए ये सब हाल फिलहाल में घटे हुए तथ्य हैं। तो 12 अक्टूबर 2022 तमिलनाडु सरकार के द्वारा लुप्त प्राय होती प्रजाति है, इसका नाम है स्लेंडर लोरिस, और इसके लिए भारत का पहला अभयारण्य अधिसूचित किया स्पेशली इस जीव के लिए, स्लेंडर लोरिस।
और यह अभयारण्य राज्य के करूर और डिंडीगुल जिलों में फैला होगा। विस्तार बहुत अच्छा खासा है, 11,806 हेक्टेयर जमीन, ठीक है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26A1, वही पुरानी वाली धारा है जो पीछे आपने देखी थी, उसी के तहत इसको अधिसूचित किया गया था। कडुवूर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य, इसका पूरा नाम, इसका नाम ध्यान से देखिएगा, कडुवूर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य। तो ये एक अच्छी बात है। अब इसके आगे जो हम देखने वाले हैं वो वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं और उससे संबंधित विभिन्न नीतियां, जो कि एक महत्वपूर्ण पहलू है, और इस पर चर्चा होगी अगले लेक्चर में। तो बने रहिए हमारे साथ, इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।